प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के शालीमार बाग से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जेएस न्यूल ने अपने कुछ समर्थकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर अपने कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी को उन्हें पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उनके करीब आधा दर्जन समर्थकों ने भी उनके कार्यालय में पहुंचकर स्वर्गीय राजीव गांधी को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। हालांकि जे एस न्यूल का कहना है कि प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वीर भूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती थी, परंतु इस समय लॉकडाउन 4 जारी है, जिसके चलते उन्होंने अपने कार्यालय में ही स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया और उनकी पुण्यतिथि पर आज प्रधानमंत्री रहते उन्होंने जो कार्य देश के लिए किए उनकी सराहना की और उन्हें कोटि कोटि नमन किया। आइए सुनती है जे एस न्यूल की जुबानी, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर क्या कहा। हमारे स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर हमने जो आज अपने कार्यालय के अंदर ये प्रोग्राम रखा, ये कोरोना वायरस से दूरी बनाने के चक्कर में हमने जो पिछले 30 सालों से 29 सालों से हम वीर भूमि पर इस प्रोग्राम को करते आ रहे थे। राजीव गांधी जी बहुत याद आते हैं, बहुत डायनामिक पर्सनालिटी थे, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। युवाओं को 21 साल में वोट का अधिकार दिया था, जो कंप्यूटर की क्रांति लेकर के आए थे, जो आज आपके बीच हाथ में मोबाइल है और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन थी। जो एक मारुति सपना था, अम्बेसडर फिएट कारें हुआ करती थी उन दिनों में, आज ब्रांडेड गाड़ियां पूरी दुनिया में जो लॉन्च होती है वो ये इंडिया में होती है, ये सब उन्हीं की देन थी। उन्होंने एजुकेशन में बढ़ावा दिया, उनके बारे में जितना गाया है वही कम है। आज मैं उनको शत शत नमन करना चाहता हूँ। शालीमार बाग विधानसभा की ओर से, मैं अपने परिवार की ओर से, समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, जो उन्होंने देश में एकता और अखंडता को रखते हुए जो बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उसको दुनिया और देश के लोग कभी नहीं भुला। आपको बता दें कि 21 मई को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम धमाके में उनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर आज देश उनको याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।